हालचाल। तो सुबह के 10 बजे हैं और हम अपना नए रूम में शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है जी, नए घर में। सो ये अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारा व्यू। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसकी लोकेलिटी उसकी लोकेलिटी में बहुत फ़र्क है। सो दिस इज़ मू टाउन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आउटर व्यू, ऐसा कुछ व्यू है। और ये हूँ मैं अपने लिविंग एरिया में, दिस इज़ द लिविंग एरिया। देखिए अभी कल ही हमें इसका कीज़ मिला है, सो अभी सारा सामान आएगा। ये किचन है, यहाँ पे इंडक्शन, फ्रिज एंड इसमें वॉशिंग मशीन है, सो बढ़िया है। एक रूम इधर है, और एक रूम इधर है। देखिए बेड्स वगैरह ऑर्डर करके हैं, अभी आएंगे। ये साथ में वॉशरूम है, अटैच है वैसे तो दोनों रूम्स के साथ में। ये बहुत रेयर मिलता है कि दो बेड दो वॉशरूम। देखिए सेम है, एक छोटा सा ये प्लेस है जिसमें आप बाहर से आएंगे तो शूज़ और जैकेट्स वगैरह टांग सकते हैं। और ये क्योंकि फ्लैट्स हैं तो ये यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ से एंट्री है और ऊपर जाने के लिए रास्ता है, सामने दोनों फ्लैट्स हैं। सो काफ़ी अच्छा है, कोजी है और नीट एंड क्लीन और सेफ सिक्योर। देखिए और ये यूनिट वगैरह लगी है हीट वाटर की। सो कैसा है, बढ़िया ही बताइए आप। शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैंने लिया है, जब तक फैमिली नहीं आती, तो बेस्ट लगा मुझे तो, अच्छा लगा। आप बताइए कमेंट्स करके कैसा है। सो और यहाँ पे भी थोड़ा फर्नीचर आ जाएगा तो ये थोड़ा भर जाएगा, ठीक है ना। बाकी अपना किचन है, खुद बनाएंगे खाना, इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। और सस्ता भी पड़ेगा खुद अगर बनाएंगे तो। बाकी आज का हम चलते हैं और देखते हैं आसपास क्या ओपनिंग वगैरह है जॉब के लिए, और देखते हैं कहीं कुछ ऑप्शन कुछ क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन तो अप्लाई कर रहे हैं और आसपास देखते हैं एरिया क्या क्या है। यहाँ से यूनिवर्सिटी की सीधी जो बस है वो 25 मिनट की है, सीधी बस जाती है सिटी सेंटर, तो अच्छा है। बाकी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और अपना आज के काम करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह ही आज शिफ्ट कर गया था। सो चलते हैं, आपको बाद में दोबारा मिलते हैं। भाई अभी निकले हैं, एक जगह स्टोर पे पता किया है तो उन्होंने बोला अभी तो वैकेंसी नहीं है, बट लेटर ऑन वो बता सकते हैं, नंबर वगैरह लिख लिया उन्होंने मेरा। सो अभी आगे चलते हैं, तो आस पास जगह पता करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो हमने कई बार अप्लाई कर लिया है। अब बेसिकली क्या है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली वो पोस्ट नहीं करते, कुछ चीज़ें जो एग्जिट द राउंड अबाउट ऑन टू स्कॉट हॉल रोड E61 विजिट करके ही पता चलती है। At the roundabout, continue straight onto Scott Hall Road, E61. Interest हो जाता है बंदे को कि वॉक इन कोई आया है तो उससे बात इजीली होती है। सो अभी वही जा रहे हैं, एक दो जगह और विजिट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। आज धूप निकली है, मौसम बहुत अच्छा है। सो सुबह तो धूप नहीं थी, ठंडी थी, जैसी धूप निकल जाती है ना तो हर चीज़ ब्राइट हो जाती है,
और मौसम में हल्की तपिश सी आ जाती है क्योंकि पोल्यूशन है नहीं, सीधा धूप पड़ रही है। ये देखो बिल्कुल खुला आसमान, फ्रेश एयर। सो अभी चल रहे हैं टर्न लेफ्ट ऑनटू हरिगढ़ रोड, क्योंकि इस एरिया को तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, आज ही सुबह शिफ्ट हुआ हूँ। सो लेट्स गो एंड सी थिंग्स। तो भाई कई जगह हमने चेक किया है, कई स्टोर्स में पता किया, पर ऑनलाइन ही कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करो। सो मोस्टली मैंने ऑनलाइन तो अप्लाई कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी आसपास ही घूम रहे हैं हम अपने घर के, एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या क्या है आसपास, और कहीं अगर वैकेंसी की ओपनिंग है तो हम ज़रूर जाके बात करेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन तो अप्लाई करेंगे ही। आज कुछ फेयर वगैरह सैटरडे है ना, तो एक जो जगह फेयर वगैरह है मैंने देखा है, पीछे भी था एक परेड वगैरह था कुछ, फेस्टिवल है 1-3 का। तो दोस्तों ये देखो सरदार जी एम के नू ऑफ लेसेंस, ये सारी ऑफ लेसेंस के शॉप्स हैं, ये अपने यहाँ पे पंजाबियों की हैं। ये है सिख टेंपल, अब यहाँ चलते हैं और मिलते हैं 2-4 लोगों से, बैठते हैं यहाँ पे और आपको दर्शन कराते हैं। देखो क्या सुंदर बिल्डिंग लग रही है दूर से, ये है सिख टेंपल चैपल टाउन। तो एंट्री करते ही यहाँ पे पार्किंग है पहले, फिर आपको अंदर जा सकते हो। भाई गुरुद्वारा मत्था टेक लिया, अब चलते हैं वापस अपने घर को। सो आज का दिन अच्छा रहा, कई बंदों से मिले, जॉब्स के लिए 1-2 जगह देखा, अप्लाई किया, कई लोगों को सीवी पकड़ाए, कईयों को नंबर प्रोवाइड किया। सो ऐसा ही है, चल रहा है काम। सो जैसे ही कोई जॉब मिलती है मैं आपको बताऊंगा, और अभी तो सर्चिंग मोड चल रहा है और टाइम निकल रहा है, अब चलते हैं घर पे और थोड़ा सा स्टोर में होते जाएंगे। सो देखते हैं कुछ सामान वामान लेके जाना है, उसके बाद थोड़ा सा नेट चलाएंगे, सो जाएंगे। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर इलाका है, इधर ग्रीन घास और बीच में रास्ता, फिर घास, रोड, जन उधर घर बने, ग्राउंड है और बिल्कुल दूर वर्ल्ड शहर दिख रहा है, सिटी सेंटर। थोड़ी सी यहाँ पे ऊंचाई है, बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड है। शाम का टाइम हो रहा है और अभी कुछ सामान ग्रॉसरी लेने निकले हैं। सो न्यू प्लेस अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया है, और शाम का टाइम, मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया सुंदर। और बस कुछ सामान ख़त्म हो गया था, वो लेने निकले हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ पे टेस्को भी है, स्पार भी है,
तो वहाँ पे जा रहे हैं और लेट्स सी क्या क्या लेते हैं। बेसिकली घर के जो छोटे मोटे सामान हैं वही लेना है और उसके बाद में बस बैठेंगे, नेट चलाएंगे, थोड़ा सा सो जाएंगे। ठीक है जी, आपको दिखाता हूँ मैं शाम इवनिंग यूके। सो दिस इज़ द व्यू, ये देखिए। दिन में धूप थी पर अब नहीं है, अभी जो है एकदम थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम, क्योंकि शाम को टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। सो रात तक 9-10 तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर। सो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है पर अच्छा लगता है, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप ठीक है ना, इन्जॉय करिए और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करते रहिए, आई विल रिप्लाई।